तो हेलो गाइस, फिर स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैसे अपने चैनल को ब्रांड बनाएं, कैसे अपने चैनल को ज़्यादा बूस्टअप करें, कैसे अपने व्यूअर को एक नए व्यूअर मतलब बनाए और कैसे जो भी अट्रैक्टिव बनाए, जो मोटिवेट बनाए, जो हरदम एक्टिव रहे और जो भी मतलब जैसे प्रमोशन के लोग भी आए तो वैसे लोग भी मतलब बहुत अच्छे आए हैं। मतलब लगा कि हाँ, उनके पास जो ऑडियंस है बहुत बेहतरीन है। तो उनके लिए बहुत एक टिप्स है कि आप जैसे आप वीडियो बना रहे हो तो उस वीडियो में ऐसे क्वालिटी होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए कि लगे कि हाँ इसमें जो ऑडियंस है, जो सामने वाले को दिखे। जैसे सपोज आपको वीडियो बना रहे हैं, आप इस वीडियो में उनको लगे कि हाँ इस वीडियो में जो ऑडियंस है वो वैसे ही है। आप जैसे मान लो एकदम गरीब बना रहे हो, हर एक चीज किसी के दिखा रहे हो नीचे, हरदम रोना धोना, ऐसे हर वीडियो में वैसा ही है, रोना धोना वाला बस बनाता है यार। लेकिन ऐसे आपको नहीं बनाना है, आपको बस बनाना है कि आप जैसे भी वीडियो बना रहे हो उस वीडियो में क्वालिटी होना चाहिए, मतलब अच्छा कंटेंट में होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि इस वीडियो में कुछ है और जो प्रमोशन के लिए आए उनको भी लगे कि इस वीडियो में क्वालिटी है और इसका ऑडियंस भी बेहतरीन है और इसका वीडियो भी बेहतरीन है। तो प्रमोशन वाला भी आपका प्रमोशन के लिए आपको देते हैं कि भाई मेरा ब्रांड है, प्रमोशन कर दो, मेरा ये कर दो। तो वैसे लोग आपका चैनल जो है बहुत जल्दी बूस्टअप होता है। तो वैसे नहीं कि आप अपने चैनल पे बेहतर अच्छा से क्वालिटी नहीं दे रहे हो, कि अच्छा मोटिवेट भी नहीं कर रहे हो, लोग बता रहे हो, आपके मतलब वीडियो आ रहा है, अच्छा संदेश भी नहीं जा रहा है। वैसे लोग क्या करें, सपोज मान लो कि आप हर तरफ से रोने धोने वाला गरीबी वाला बना रहे हो तो आपके ऑडियंस भी जो प्रमोशन के लिए आएंगे उनको लगे यही है। सपोज मान लो किसी का प्रमोशन करे हो किसी चीज़ का और उस प्रमोशन में अगर कोई खरीद नहीं पाएगा क्यों प्रमोशन लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेरा कंपनी ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरे कंपनी से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो वैसे लोग प्रमोशन करते हैं। क्यों ऐसे थोड़े कहा कि पैसा ले लो प्रमोशन करो, प्रमोशन कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट होना चाहिए ना उसमें। और आपके पास वीडियो दे दिए, पैसे दे दिए आपको प्रमोशन के लिए और वीडियो प्रमोशन कर तो दिए, लेकिन उससे कुछ उनको बेनिफिट हुआ नहीं तो उनको भी प्रमोशन उन्हीं को देते हैं जैसे आपको उनको लगता है कि हाँ इस वीडियो में क्वालिटी है, इसका ऑडियंस वैसा ही है, उसका ऑडियंस जो बहुत बेहतरीन है, ऑडियंस मतलब इस प्रमोशन से ऑडियंस को कुछ मिल सकता है। तो वैसे लोगों को ये प्रमोशन भी देती है। तो आप वैसे कंटेंट बनाओ जैसे लगे कि इस वीडियो में कंटेंट बनाओ ताकि लोगों को, सामने वालों को लगे कि इस वीडियो में कुछ है। प्रमोशन वाले जो करने आए, प्रमोशन आपको देने आए तो उनको भी लगे कि इस वीडियो आपको इसको प्रमोशन करने के लिए आप अपना ब्रांड दे रहे हैं तो उनको भी ऐसा गर्व मतलब नहीं लगे कि इसमें देने के बाद मेरा पैसा डूब जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो अगर आप अच्छी मतलब वीडियो बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो तो आप डिमांड भी कर सकते हो कि हमको इतना चाहिए तो प्रमोशन करते हो। सपोज मान लो रोन धोने वाला बना रहे हो तो उसमें क्या वो करेगा, बस यही रोन धोने वाला बनाएगा और उसमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो अपने चैनल पे ऐसे कंटेंट बनाओ, ऐसे वीडियो बनाओ ताकि ऐसा लगे कि सामने वाले को अच्छा लगे और मोटिवेट हो सके। ऐसे नहीं है कि आप किसी रोन धोने वाला को बनाओ, आप अपने चैनल को कंटेंट अच्छा बनाओ, अच्छा थंबनेल, अच्छा डिस्क्रिप्शन, अच्छा टाइटल लगाओ ताकि देखते ही एक बार क्लिक में अब देखो अब लगाए थे मनोज। तो वैसे लोग थंबनेल बनाते हैं कि आपको देखते ही उसको थंबनेल को देखते ही क्लिक कर दे। थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग देखते ही उस पर क्लिक कर दे और अंदर क्लिक करने के बाद ऐसा नहीं केवल थंबनेल में ही होना चाहिए और अंदर कुछ है ही नहीं। तो थंबनेल के अंदर भी कुछ होना चाहिए ताकि ऑडियंस को आप रोक सकें। केवल थंबनेल देखकर क्लिक करवा दिए, क्लिक रेट तो बढ़ गया, परसेंटेज उसका बढ़ गया, लेकिन जो वीडियो रिटेंशन है वो घट गया क्योंकि आपका वॉच ही नहीं किया कोई। तो वैसे कोई मत उसका भी कोई मतलब नहीं है। थंबनेल अच्छा बना रहा है तो उसका वीडियो का कंटेंट भी अच्छा डाल दीजिए ताकि ऑडियंस आपके वीडियो पर रुके और ऐसे लाने लगे कि उन्हें इस वीडियो में कुछ है नहीं। अगर आपकी वीडियो पर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको गेन हो, कुछ ना कुछ मोटिवेट हो और कुछ ना कुछ आप वीडियो से कुछ मिले, उनको ज्ञान मिले ताकि उन्होंने लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ है। तभी उन्हें तो ऐसे केवल क्लिक कर देने से और उनके चले जाने से फिर आपको कोई मतलब निकलेगा नहीं, ना व्यूज बढ़ेगा, ना वॉच टाइम बढ़ेगा, ना कुछ नहीं बढ़ेगा। तो फिर आपसे कोई मतलब है भी नहीं और सपोज सब्सक्राइब भी किए, अनसब्सक्राइब भी कर देंगे। तो वैसे नहीं करना है और उनका और सब्सक्राइब करने का मन भी होगा तो नहीं करें क्योंकि देखेंगे कि उसमें वीडियो कुछ है नहीं तो क्या करेंगे। तो आप वैसी वीडियो नहीं बनाओ जैसे ऑडियंस को भी लगे, चाहे सामने वाले को लगे कि इस वीडियो में कुछ है नहीं, केवल हरदम रोना धोना मारता है। तो हर एक दिन एक नए टॉपिक लेके आओ, हर एक चीज़ नए बनाओ ताकि लोगों की आपकी प्रति, आपके चैनल के प्रति लोग झुकाव और सब्सक्राइब भी करें, आपका व्यूअर भी बढ़े और वीडियो अच्छा मतलब रैंकिंग करें। तो वैसे आप कंटेंट लाओ और अपने वीडियो बनाओ। जो भी मतलब टेक वाले भी हैं, चाहे कोई भी मतलब चैनल वाले हैं, हर एक चीज़ चैनल के लिए यही है। तो हम यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।